प्रेमचंद की प्रासंगिकता विषय पर न्यू सिपाही टोला स्थित कविता सदन में साहित्यांगन एवं बुजुर्ग समाज की ओर से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक ने किया। साहित्यकार प्रेमचंद के तैलचित्र पर फूलमाला पहनाकर लोगों ने उन्हें नमन किया और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की। बारी बारी से उपस्थित साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में योगदान पर चर्चा किया। इस अवसर पर उर्दू बांग्ला और हिंदी के 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। भोलानाथ आलोक ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियों में समाज का चित्रण है जिसमें गरीबी शोषण और असमानता शामिल है। भ्रष्टाचार पर नमक का दारोगा, न्याय पर पंच परमेश्वर प्रसिद्ध है। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश, अजय कुमार सान्याल और शिवनारायण शर्मा व्यथित को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नीलांबर सिंह, राम नरेश भक्त सहित अन्य साहित्यकार उपस्थित थे। देखिए, उनको कथा सम्राट ऐसे नहीं कहा गया है। समाज की जो विद्रूपताएं हैं, उसके जो ऐब हैं, उसकी जो कमियां हैं, तमाम मुद्दे पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी, नमक का दरोगा कहानी जहाँ लिखा है, न्याय के लिए पंच परमेश्वर लिखा है, छुआछूत के लिए ठाकुर का कुआं है, तो जनसंख्या विस्फोट के लिए भी उनकी कहानी है, गोदान है, समाज में जो एक प्रथा है उसके संबंध में, तो हर विषयों पर उन्होंने लिखा है और आम लोगों के लिए लिखा है, कमज़ोर लोगों के लिए लिखा है। वे प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे एक अच्छे नेक इंसान भी थे। उन्होंने फिल्म की भी कई कहानियां लिखी हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि उनकी लिखी गई कहानियों पर जो फिल्म बने सफल नहीं हुए, सिवा शतरंज के खिलाड़ी के। ऐसे कथा सम्राट को साहित्यांगन और बुजुर्ग समाज पूरे मनोयोग से, खुले दिल से सर झुकाकर याद करता है। और इस अवसर पर हम उर्दू के ज्येष्ठ कथाकार प्रोफेसर अहमद हसन दानिश को, बंगला के ज्येष्ठ साहित्यकार अजय कुमार सन्याल को और हिंदी के बहुत अच्छे कवि लेखक शिव नारायण शर्मा व्यथित को हम सम्मानित करते हैं, अंगवस्त्र देकर, पुष्प देकर और प्रशस्ति पत्र देकर, और उनके यशस्वी होने की भी बुजुर्ग समाज और साहित्यांगन कामना करता है। आप यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद।